गुजरात के साबरकंठा में 14 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ शुरू हिंसा की वारदात अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके काफी लोग लौट गए हैं, जो वापस नहीं लौटे हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। अहमदाबाद के एक गांव जहां ठाकुर समुदाय की मजबूत पकड़ है, वहां स्थित एक फार्म हाउस में यूपी के कुछ मजदूर छिपे हुए हैं। यह उनका गुप्त ठिकाना है। वहीं गांव प्रवेश द्वार पर एक पत्थर के सहारे बैनर रखा हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय ठाकुर समाज द्वारा बच्ची रेप के आरोपी बिहार मजदूर को फांसी देने की मांग की गई है। इस फार्म हाउस में शरण लिए हुए मजदूर गांधीनगर के देहगम स्थित एक स्नैक्स बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे, तभी भीड़ फैक्ट्री में घुसी और उन लोगों पर हमला कर गुजरात छोड़ने की धमकी देने लगी, जिसके बाद मजदूर दो और चार समूह में बट गए। कानपुर जिले के रहने वाले एक युवक ने बताया कि मैं पिछले 9 महीने से 6000 रुपए प्रति माह की मजदूरी पर काम कर रहा था और हम यूपी से हैं, इसलिए अकेले हैं। जैसे ही दूसरे लोगों ने फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को छोड़ना शुरू किया, हम भी फैक्ट्री छोड़कर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। वहीं दूसरे लोगों ने बताया कि हम चार लोग प्राइवेट जीप में जा रहे थे तो कुछ लोगों ने बाइक से हमारा पीछा किया। हम सभी पूरी तरह डरे हुए थे। जब हम नरोल पहुंचे, किसी ने हमें परिषद का हेल्पलाइन नंबर दिया और उनसे संपर्क करने को कहा। इस तरह हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। यूपी के औरैया के रहने वाले एक युवक ने कहा कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि निर्दोष लोगों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। जिसने अपराध किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? इससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।